तो इस वक्त हम लोग गाइस कसूर की मार्केट में, कसूर के बाज़ारों में मटर गश्त कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फालूदा शॉप, जो कि यहाँ पे लोगों से पता किया है। तो अयूब, अयूब नाम है ना, अयूब फालूदा, नफीस भी है लेकिन वो अंदर करके, नफीस अंदर कर करके है, कहाँ है लेकिन अयूब वहाँ जा रहे हैं। गाइस मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है, मे बी एज हिस्टोरिकल एज लाहौर, मे बी लाहौर थोड़ा ज़्यादा होएगा, लेकिन फिर भी ये भी कोई कम नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, यहाँ पे उनका जन्म हुआ रहते थे, जिनमें फेमस नाम जो है उस बड़े उस गुलाम अली ख़ान और नूर जहाँ। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता रहा हूँ कि ये कसूर नाम कैसे पड़ा। तो भगवान राम के, ये हिंदुओं का ज़ाहरा है, इंडिया था एक पुराना, तो भगवान राम कहते हैं जो जो मिथोलॉजी है, उसके बेटे का नाम था कस्सो, और कस्सो के नाम से ये शहर आबाद हुआ, जो कि बाद में कसूर बना, जिसका नाम चेंज हो गया। देखिए सिटी ऑफ कसूर, और ये पुराना हिस्टोरिकल ये आर्च बनी हुई नज़र आ रही है, इस आर्च के अंदर भी बाजार है, माय गॉड। से मैं आपको ले चलता हूँ हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि फालूदा है। क्या हुआ, ये अंदर से बाज़ार है, अंदर उसी जाना है। तो गाइस मेरा ख्याल है हम उसी बाज़ार में जो मैंने आपको दिखाया था आर्च के अंदर वाला, हम उधर ही जा रहे हैं, मिटला बाज़ार। ये थोड़ी बड़ी सड़क है, लेकिन कसूर का असल ट्रेडिशनल बाज़ार अंदर करके जो बना हुआ है वहाँ जा रहे हैं हम। यही जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दुकान है। वाओ, रंग बाजार और ट्रेडिशनल बाजार कसूर का। ये बात अच्छी है गाइस कि ये बाजार ऊपर से काफी शेडेड है, जिसकी वजह से धूप की गर्मी की इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आ रही, वरना आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये भी अंदर एक बाज़ार जा रहा है। बड़ा ही और ट्रेडिशनल बाजार है ये, ऐसी गर्ज करता कि कई दुकानें होंगी, हर तरफ होंगी, लाहौर में होंगी, इधर होंगी, लेकिन मुझे आपको ये इसलिए दिखाना है क्योंकि दिस इज़ अ न्यू सिटी फॉर मी एज वेल। मैंने कभी भी ये नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग इट।
तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। ज़ाहिर है इसमें कोई नया चीज़ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये सिटी बहुत पुराना सिटी है, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। ये आपको जगह जगह पे फिश कॉर्नर और फलूदा मिलेगा। फिलहाल फिश नहीं है मौसम की वजह से, या ख़त्म होने वाली है, लेकिन फलूदा यहाँ पे जगह जगह पे फलूदा मिलेगा। माना फिश, ये फिश, वो फिश, फिश ही फिश, ये फिश मौली फिश कॉर्नर। एक चीज़ मैंने नोटिस की है शहर, इस शहर में, जो मे बी अंदरून लाहौर में होएगी, आई डोंट नो, बट नॉर्मली सिटीज़ में मैंने अब नहीं देखा वो कल्चर कि औरतें जगह जगह पे ना उन्हें छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए, नीचे ज़मीनें बैठी हुई हैं और चूड़ियाँ बेच रही हैं। चूड़ियों का स्टॉल्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है फॉर मी, क्योंकि काफ़ी ही अरसे बाद मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है। गाइस दूल्हा बाज़ार शुरू हो चुका है मेरा ख्याल है। नफीस भी आ गया ये, और नफीस आ गया ये सामने, नफीस कर लेते हैं इसको। हाँ ये और पता कर ले, ओरिजिनल है ना नफीस, ये वाला ट्राई किया हुआ है। अच्छा ये बस ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। क्या बड़े जी कह रहे हैं, लव इट उन्होंने कहा कि ये किया हुआ है ट्राई, तो ये ठीक है। सुना है नफीस का अच्छा होता है, लेकिन जिसे ट्राई किया हुआ है उसको ज़्यादा बेहतर पता है। फिर सारी शॉप है कैसी ना, अरे अयूब नाम इसके ही हैं, फलूदा कॉर्नर, वो अयूब, वो भी है, वो भी है, वो भी है, सब जगह है। ये सब अयूब है ना, कौन सा देख मिनट पता कर लेते हैं पहले। ये वाला बाबा जी कह रहे हैं। ओए होए 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 होए, छोटे से बाजार में रश, रश देखो। हाँ इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल यहाँ साथ साथ कोई इम्पार्शियल नहीं होगी। कोई हम इधर बुला रहा है, अयूब यहाँ है, अयूब वहाँ है, अयूब इज नॉट देयर, अयूब 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 अयूब, विच इज रियल अयूब वी डोंट नो। भैया यहाँ पे कन्फ्यूजन के शिकार हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि बहुत से अयूब हैं। हाँ बट किसी से पता कर लेते हैं ना, और से अयूब एक ही है, ये भी है, वो सेम है, दोनों वो भी एक है। अच्छा अच्छा, ये सामने वाली एक ब्रांच है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। नहीं आई डोंट नो, हर एक चीज़ थी जो फेमस हो जाती है तो हर एक बंदा उस नाम के साथ चलता है, यहाँ पे वो हाल होया हुआ है। चलें अल्लाह करके गए, ये सामने इस चीज़ के ट्रेडिशनल, अब देखो मिट्टी के चले बने हुए पॉट्स। तो हम लोग इस वक्त बैठ चुके हैं फलूदा में, अयूब फलूदा, तो आपको चेक करवाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ।
तो ये हमारा फलूदा हाजिर है, कसूर का फेमस फलूदा अयूब फलूदा। ये शीरा है, ये इसके ऊपर डालोगे आप, जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये क्या है? ये वही चीज़ है, शीरा। ये थोड़ी डालोगे इस पर? ये उस पर डाला, लाया और ये इसका टेस्टी। थोड़ा सा बट आप ठीक है, मज़े का है गाइस, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ जो आपको उधर नारकली में इशरा में जो यूसुफ फलूदा आदि मिलते हैं दे वर एज गुड एज दिस वन, लेकिन स्टिल स्टिल इट्स ओके, नो बैड। मैं आपको बता चलूँ ये मीडियम है, बोल इससे भी लार्ज मिलता है, तो ये मीडियम मेरा नहीं खाया, ख़त्म होने वाला है हमसे, मीडियम नहीं ख़त्म होता। रेटिंग करो, गुड है, गुड है जान। ज़बरदस्त सर, ये थी ट्रेडिशनल फलूदा, वन ऑफ द बेस्ट शॉप है, ये बाज़ार के अंदर है और आपको आसानी से किसी भी पता चल जाएगी कि कहाँ पे शॉप है फलूदा की। तो अयूब फलूदा, नफीस फलूदा, दे आर टुगेदर, मतलब करीब करीब हैं, जो आपको पसंद हो आप वहाँ से आके खा सकते हो। तो नाउ माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी मछली। कौन सी है? हाँ हेलो, जावेद है ना? जावेद मछली, जावेद मछली। तो इस प्रज्यूम दैट इज़ वेरी फेमस मछली फिश कॉर्नर हेयर इन कसूर। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वाकई ही कोई नाम है या फिर यहीं गल्ला बनी हैं। मुड़ के अब हम जा रहे हैं जावेद मछली की तरफ, ये और कंजेस्टेड एरिया एंड कंजेस्टेड बाज़ार। ओ मज़ा आ गया इस बाज़ार में, क्योंकि सनलाइट आपको नहीं पड़ी, ऊपर बड़े बड़े घर हैं एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग, डार्क डार्क सा। तो जब भी आप लोग कसूर वाली साइड पे आते हो, आपके अट्रैक्शन के अलावा अलावा आपके यहाँ पे फूड में मछली, अंदरसे, फालूदा और मे भी बर्फ़ी भी शामिल है इसमें। एक सुना है मैंने बर्फ़ी का भी एक नाम सुना हुआ है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या सुबह का वक्त है, ऐसा ऐसा शॉप्स खुल रही हैं और हम लोग फिर से जा रहे हैं जावेद मछली की तरफ। ये सारा सराफा बाज़ार है, यहाँ दुकानें सारी की सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, लेकिन बाज़ार बहुत टाइट हो चुका है यहाँ से, पहले थोड़ा सा खुला था और ज़्यादा टाइट हो चुका है, बट ऊपर सिचुएशन सेम। आपके ये शेड्स, लेकिन वायरिंग देखें, ये तो कुल मौत है यहाँ पे, मौत मौत। यहाँ से हम फिर बाज़ार में घुसते हैं और जावेद मछली की तलाश में हम बनाते फिरे। इस
सब बहुत टाइट बाजार है। देखो इसमें दो बंदे ही गुजर सकते हैं मुश्किल से, अगर मोटरसाइकिल या इस तरह चीज़ आ जाए तो यू हैव टू गिव अवे, यू हैव टू स्टॉप फॉर द मोटर बाइक्स। वाओ नाइस, ये देखें गाइस अंदर, एक बहुत पुरानी मस्जिद रास्ते में आई है, तो दिस इज वेरी मेन ट्रेडिशनल। हाँ सीधा ही कह रहे हैं, या और जी हम लोग भूले बिसरे गीतों की तरह मैडम की, हम भी भूल चुके, गलियों में खो चुके। ये पुरानी ब्रिक्स देखें, ओल्ड बारीक ईंटों का काम किया गया, ऊपर से बिल्डिंग्स देखें जिसके आगे आपकी बालकनीज हैं, ये देखें वाओ ब्यूटीफुल। ये बंद, ये भी किसी की बिल्डिंग है, किसी की बहुत मजबूत पुरानी बिल्डिंग है ये। ये देखें हाल देखें, ये जावेद फिश कॉर्नर है और ये बंद है। तो दोस्तों अभी हम लोग घूमते फिरते हैं जब तक ये खुलती है, वी आर गोइंग टू अंदरसा शॉप, अंदरसा जाके चेक करते हैं। ये मिठाइयों की अंदरसों की शॉप यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वाओ ये अंदरसा, तो और कौन सी यहाँ पे फेमस है फिश? अंदर है बाजार में माना मच्छी वाला, एक अंदर सा चेक करें, सब देख लीजिए। अंदर से देखता हूँ, यहाँ पे बड़ा फेमस अंदर से है यहाँ के गुड़ वाले, तो गुड़ वाले अंदर से जो कि फेमस। अब ये नहीं पता हम किस तरह हैं, मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, सामने भी दुकानें हैं लेकिन ये कदीम शेख गुलाम मुहिद्दीन हलवाई साहिब स्वीट, ये कॉर्नर शॉप बनी हुई है जो कि वेरी वेरी ट्रेडिशनल। Whenever you come to Kasur, to find Andrasse, so this is the man.
तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ गाइस, के हम लोग स्पेशल यहाँ पे आए थे इस बाज़ार में थे अंदरसों के लिए और जावेद की मच्छी के लिए। अंदरसे तो सामने हमारे आके आगे फलूदा भी हमने खा लिया, लेकिन फिश यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं ठीक है, बट जावेद मछली वॉज़ वेरी फेमस, जो बहुत मशहूर थी यहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे दुकानदार वाले सब कह रहे हैं कि ये कुछ महीनों से बंद हो चुकी है, बनीतो परमानेंट हल्लास। तो जो भी हजरात मेरा व्लॉग देख रहे हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं फॉर जावेद मछली के लिए, तो उनको मैं कहूँ कि वेस्ट ना करें ट्रिप अपना, बिकॉज जावेद मछली यहाँ पे अब नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट व्हाट दे से आई एम सेइंग टू यू, ये उनकी बात है जो मैं अब तक कन्वे कर रहा हूँ। कसूरी अचार, बशीरत अचार, नान खताई, सुबह का नाश्ता, जितना मैं समझ रहा था कि एक छोटा सा जगह होगी, बट ये वाकई प्रॉपरली एक बहुत ठीक ठाक सिटी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल। आउटस्कर्ट्स में जब सिटी के होते हैं वहाँ पे सब ये न्यू मॉडर्न दुकानें हैं, जिस तरह ये सामने रोड है, अब यहाँ से मेन मेन मॉडर्न शॉप्स हैं, बट अंदर जहाँ से हम होके आए हैं घर भी दुकानें भी बड़ी ओल्ड फैशन और ट्रेडिशनल किस्म की हैं, जिसको आप पसंद भी करते हैं। लेकिन सामने मेन मेन पे भी आपके फलूदा वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपने फलूदा वाली साइड पे जाने के लिए आपको बाज़ार के अंदर जाना पड़ेगा अगर आपने अच्छा फलूदा टेस्ट करना है। तो चलें, मैंने आपको बाज़ार की सैर करवाई, थोड़ा दिखाया घुमाया फिराया। अनफॉर्चुनेटली जावेद मछली इज़ नो मोर, तो मैं उसका व्लॉग नहीं बना सका। बाकी मैंने फलूदा अंदर से आपको टेस्ट करवाए दिखाए और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।